हेलो डियर एस्पिरेंट्स, फर्स्ट आई विल से यू मे फील आई एम नॉट दैट मच एनर्जेटिक, बट आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस, रिक्वेस्ट ही समझिए मेरे टीचर, टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, टू फोकस ऑन द थिंग्स विच आई वांट टू डिलीवर, बिकॉज दिस इज गोना बी द समवेयर द लास्ट लेक्चर फॉर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. Although it was planned कि I'll leave for UP, उत्तर प्रदेश tomorrow, तो फिर मुझे लगा पता नहीं मैं तीन चार दिन में when I'll be able to take lecture, तो अभी दिन से चार lectures ले चुका हूँ, तो energy एकदम से गया हुआ है. फिर भी अगले कुछ class आपके off ना हो जाए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ वापस से आपको एक ऐसा lecture देने का जहाँ पर आपको you will feel the completeness. Fine. मतलब आवाज़ में थोड़ा लग सकता है, एनर्जी में लग सकता है, कॉन्सेप्ट्स का जो डेप्थ है उसमें कोई गैप नहीं होगा, बिलीव मी. सो अपना जो अभी का टारगेट है मेरे बच्चे, दैट इज कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज. सो आई हैव टू टर्म्स हियर. नंबर फर्स्ट इज कैलकुलस एंड अदर इज रेसिड्यूज. सो कैलकुलस के अंदर वी विल बी मूविंग अबाउट इंटीग्रेशंस, राइट? रेसिड्यूज इज वॉट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड हाउ इट इज कमिंग फ्रॉम सिंगुलैरिटीज एंड नॉट ऑल काइंड ऑफ सिंगुलैरिटीज बट अ स्पेशल काइंड ऑफ सिंगुलैरिटी दैट इज पोल्स. In the previous lecture, we talked about these things, pole, singularity and all. So, bachche, suppose that someone says ki evaluate the integral 0 to infinity log x upon 1 plus x square dx, or you may have the integrations to solve something like, or you can have integrations to solve 0 to infinity z power 4 upon 1 plus z square, something like that. Okay, thing is, here in the complex analysis such questions are dealt by the contour integration, and contour integration is nothing but this type of integrations. Means in the paper 2 of CSE you will have questions like this. So what I told you during the calculus wala lecture, there I told you Leibniz rule of differentiation under the sign of integration. What I told you? Leibniz rule of differentiation under the sign of integration. What it was? See, why I am revising that here? Because I know the importance. So if I is a function, suppose that phi of x to psi of x, f of x comma t to dt, and if I want to differentiate it with respect to x, it turns out to be phi of x to psi of x dever over dever x of f of x dt plus f of x comma psi of x into dever over dever x of psi x plus f of x comma phi, sorry, plus ni minus, into dever over dever x of phi x. That is your Leibniz rule of differentiation under the sign of integration. By using this, I solved some example for you. In that also, we had integrals like this. But those are very restricted in nature. Sometimes with the help of this rule, you won't be able to figure out such integrals. So that is one problem. Suppose that some integral is being evaluated and you are not able to do from here, you need some other way. Some other way will be contour integration.
इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ दे मे से इवेल्युएट दिस इंटेग्रल यूजिंग कंटूर इंटेग्रेशन. मीन्स विदाउट स्टडीइंग द कंटूर इंटीग्रेशन वी नॉट कंप्लीट आवर प्रिपरेशन. टारगेट मैं आपको पिछले क्लास में भी बार बार बोला था, अभी आई एम रिवाइजिंग, कि देयर इज टू सेगमेंट इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. वन इज एनालिटिसिटी, अदर इज कॉम्प्लेक्स इंटेग्रेशन. याद आ रहा है? पूरा का पूरा कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज पढ़ने का, रेजिड्यू पढ़ने में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, टारगेट ये है. टारगेट्स ये हैं एंड दैट इज व्हाई वी वांट टू स्टडी रेसिड्यूज. एम आई क्लियर और नॉट? कोई डाउट अभी? चलिए. अब ये जो रेसिड्यूज हैं, वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज रेसिड्यू. फॉर दैट ओनली आई टुक द प्रीवियस लेक्चर एंड आई टोल्ड यू इफ एफ ऑफ जेड इज एन फंक्शन इट कैन बी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म, यहां पर लिखूं, सिंस एफ ऑफ जेड कैन बी रिटन एज एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट का पावर एन, एन गोइंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी वी एन जेड माइनस जेड नॉट का पावर माइनस एन. ये किससे था पता नहीं, पीछे से दिख रहा है, लॉरेंट्स एक्सपेंशन. दिस इज फ्रॉम द लॉरेंट्स एक्सपेंशन. सो चलो भाई, ये तो अपना टारगेट हो गया, है ना. टू फुलफिल दिस टारगेट आई नीड द स्टडी ऑफ रेसिड्यूज. चलो, ए फंक्शन एफ ऑफ जेड कैन बी एक्सपेंडेड लाइक प्लस बी वन अपॉन प्लस बी टू अपॉन प्लस बी एम अपॉन प्लस बी एम प्लस वन अपॉन एंड सो ऑन. फाइन. इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू कि इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ जेड एज जेड नॉट, दिस टर्म, दिस फ्रैक्शन विल टेंड टू इन्फिनिटी. टोल्ड यू और नॉट? ओके. देन आई कॉल कि जेड इक्वल्स टू जेड नॉट विल बी अ सिंगुलैरिटी. फेयर डियर, रिपीटेडली आई सेड कि प्लीज फोकस व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस लॉरेंट्स एक्सपेंशन. अभी यहां पर देखिए, दिस इज अ सिंगुलैरिटी. नाउ सपोज दैट इफ बी टू बी थ्री एंड सो ऑन ऑल आर जीरो, देन वी से जेड इक्वल्स टू जेड नॉट इज अ सिंगुलैरिटी. और उस स्पेशल काइंड ऑफ सिंगुलैरिटी को हमने बोल दिया पोल ऑफ ऑर्डर वन. सपोज दैट इफ बी फाइव बी सिक्स ऑनवर्ड्स ऑल आर जीरो, मतलब एफ ऑफ जेड विल बी रिटन एज दिस वाला, सपोज दैट साई ऑफ जेड, दिस कैन बी रिटन एज साई ऑफ जेड प्लस बी वन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट प्लस बी टू अपॉन जेड माइनस जेड नॉट प्लस बी फाइव अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का पावर फाइव प्लस जीरो एंड सो ऑन. सो दिस एक्सप्रेशन विल हैव जेड इक्वल्स टू जेड नॉट एज अ पोल ऑफ ऑर्डर फाइव. अब यहां पर सिक्स वाला टर्म भी प्रेजेंट होता तो सिक्स ऑर्डर का पोल हो जाता. क्लियर है? चलिए, व्हाट मैथमेटिशियंस डिड, दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टर्म सेड. देखिएगा, इन द लॉरेंट्स एक्सपेंशन बी वन, उसको उन्होंने प्रिंसिपल पार्ट बोला, ठीक है, एंड दिस बी वन इज कॉल्ड
as residue of f of z at the point z equals to z naught. Okay, बच्चे, थिंग समझ में आ रही है? फंक्शन एनालिटिक, फिर एनालिटिक सीज हुआ, मतलब z equals to z naught पर एनालिटिसिटी ब्रेक हुआ, आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड मतलब नेबरहुड में भी नॉट एनालिटिक होगा, आइसोलेटेड में फिर पोल्स, पोल्स ऑफ ऑर्डर सम नंबर, ठीक है. सो बाई सीइंग दिस एक्सप्रेशन दे टुक बी वन एज प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड, ठीक है. And it is called, please focus, poles are not residue. Residue किसको बोला? The B1, मतलब coefficient of 1 upon Z minus Z naught in the expansion of F of Z. Okay, बच्चे, any confusion? So don't confuse between residue and pole. पोल क्या है? फंक्शन जिस पॉइंट पर एनालिटिक ब्रेक हो रहा है, दैट पॉइंट इटसेल्फ कॉल्ड द पोल ऑफ दैट फंक्शन एफ ऑफ जेड. एट अ पोल वी विल हैव रेजिड्यू एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट. कोई दिक्कत किसी को रेजिड्यू समझने में? चलो, Now I am interested in knowing कि if f of z, समझिएगा अगला इंटरेस्ट हमारा कहाँ जा रहा है. इसको हटा दें मेरे बच्चे. चल, अब हम समझते हैं एक एक करके कॉसी रेसिड्यू थ्योरम से कंटूर पे चले जाएंगे. चलो, सपोज दैट केस वन मैं ले रहा हूं, इफ एफ ऑफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर वन एट जेड नॉट. ओके बच्चे, पोल किसी ना किसी पॉइंट पर ही होगा ना. चलो, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जेड मस्ट बी ऑफ द फॉर्म. आई एम रिपीटेडली सेइंग मेरे बच्चे, प्रूफ्स आर नॉट टफ, केवल आपको लिंक करना आना चाहिए, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूं आपके साथ, है ना. If f of z has a pole of order m, sorry order 1, तो मेरे बच्चे f of z को किस फॉर्म का होना पड़ेगा बताओ जरा. किस पॉइंट पर है? एट द पॉइंट z नॉट. तो इससे तो अपने को कोई फर्क पड़ना जाना नहीं है. प्लस b1 अपॉन z माइनस z नॉट. अब सपोज दैट बच्चे, प्लीज वेट, इफ दिस टर्म इज ऑल्सो प्रेजेंट देन एट z इक्वल्स टू z नॉट, दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो दिस फंक्शन f ऑफ z विल बिकम, सॉरी, इसका जो पोल होगा z नॉट, दैट विल बिकम ऑफ ऑर्डर 2. नाउ हमें कितना लेकर चलना है मेरे बच्चे? ऑर्डर 1. आई गेस अभी आप समझ गए होंगे. कोई दिक्कत नहीं. चलो, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जेड इज ऑफ द फॉर्म सम फाई ऑफ जेड प्लस बी वन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट. ओके, वेयर phi of z, phi of z is what? And this is just a polynomial, so always differentiable.
So phi of z is just a polynomial, इसलिए always analytic. कोई समस्या तो है नहीं अपने को उससे, कोई दिक्कत किसी को भी बताइए जरा. ठीक है बच्चे, अब देखिएगा. अभी मैं क्या करता हूं, इफ f ऑफ z इज ऑफ दिस फॉर्म, अब मुझे जरा b1 बता दीजिए. b1 को मैंने क्या बोला है, प्रिंसिपल पार्ट, और bn का आपको एक एक्सप्रेशन भी मैंने दिया था, चेक कीजिए. लॉरेंट्स एक्सपेंशन में bn मैंने आपको क्या बोला था, फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन c f ऑफ z अपॉन z माइनस z नॉट का पावर माइनस n प्लस 1 इंटू dz. प्लीज नोटिस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसलिए b1 क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन c f ऑफ z अपॉन z माइनस z नॉट का पावर 0 इंटू dz. दिस इंप्लाइज v1 इक्वल्स 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz. b1 है क्या मेरे बच्चे, रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट द पॉइंट z नॉट. सो रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट द पॉइंट z नॉट इज b1 एंड दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz. कोई दिक्कत किसी को भी, चलो अभी इसको मैं जरा दो नंबर डाल देता हूं यहां पर. ठीक है, अभी देखिए, अगर मैं टेकिंग लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ, अच्छा इसमें यूज कर देता हूं, z माइनस z नॉट, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी लिमिट z टेंडिंग्स टू z माइनस z नॉट f ऑफ z, तो क्या बन जाएगा बच्चे, ये लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट z माइनस z नॉट इंटू phi z प्लस b, सॉरी लिमिट z टेंड्स टू z नॉट b1 इंटू z माइनस z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट. क्या मिल गया मेरे बच्चे मुझे, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, ध्यान से देखना इस चीज को, z माइनस z नॉट f ऑफ z. दिस इज इक्वल टू, अभी इसको देखिए, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट z माइनस z नॉट इंटू phi of z. Phi of z is an analytic function. तो limit z equals to z naught put करने पर 0 into some finite value and 0 into some finite value is 0 itself मेरे बच्चे. और यहां से z minus z naught cancel out, b1 is just a constant. So अपने को b1 का value क्या मिल गया मेरे दोस्त, बताइए. Limit z tends to z naught z minus z naught इंटू एफ ऑफ जेड. कोई डाउट है यहां पर तो बोलेंगे, किसी को भी बच्चे, चलिए इसको थोड़ा सा साइड रखेंगे, मैं आपको बोलता हूं अब, समझाता हूं, सॉरी. हम क्या लेकर चले थे, इफ एफ ऑफ जेड हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर वन एट द पॉइंट जेड नॉट, देन क्या दिखा दिया हमने, b1 इज z माइनस z नॉट. और बच्चे b1 को है क्या, b1 इज रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू z नॉट ऑफ द फंक्शन f ऑफ z एंड दैट इज नथिंग बट लिमिट z टेंड्स टू z नॉट इंटू f ऑफ z. क्लियर है अभी. सो क्या याद रखेंगे,
If f of z has a pole of order 1 at the point z equals to z naught, then residue for f of z at z naught is given by limit z tends to z naught, z minus z naught into f of z. चलिए ठीक है. और इसको स्टार क्यों मार्क करवाया था, प्लीज डू नोटिस, इसको एग्जाम पॉइंट भी लिख लेंगे. टारगेट्स क्या चल रहे हैं अपने, कैलकुलेटिंग इंटीग्रल्स. सो मेरे बच्चे, अगर मुझे b1 पता चल जाए तो आई कैन टेल यू दिस इंटीग्रेशन. सो कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू इज दिस ओनली ना. If we have residue, then I can tell you iska value. Integration C f z dz is nothing but 2 pi I into V1. Samajh aaya? Chalo. So, apne ko is type ke integrations calculate karne mein residue bhi help kar sakta hai. Hai na? Chalo. Ab samajhna mere bachche. बस थोड़ा सा और इस चीज को समझाऊंगा, उसके बाद आपको एक बेटर क्लैरिटी आ जाएगी. केस टू इज बेसिकली व्हाट, इफ एफ ऑफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम एट द पॉइंट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट, देन मेरे बच्चे f ऑफ z किस फॉर्म का होना चाहिए बताइए आप. f ऑफ z मस्ट बी ऑफ द फॉर्म सम phi ऑफ z प्लस psi ऑफ z अपॉन z माइनस z नॉट का पावर m होना चाहिए या नहीं, तभी तो ये जाके पोल ऑफ ऑर्डर m रखेगा. विश्वास दिलाइए, जहां phi ऑफ z इज एनालिटिक, दिस psi ऑफ z इज एनालिटिक. हाँ सर, क्या हुआ? कुछ बात करने? अच्छा ठीक है, क्लास को एक बार स्टॉप कर देते, अभी वापस शुरू. ठीक है, सॉरी मेरे बच्चे, है ना, थोड़ा सा मैनेजमेंट को बात करनी थी. चलो कहाँ थे अब लोग? अच्छा, पोल ऑफ ऑर्डर एम पे रेजिड्यू काउंट कर रहे थे. ठीक है, सो व्हाट इज अवर टारगेट बच्चे? यहाँ पर टारगेट है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड है, इट हैज पोल ऑफ ऑर्डर एम, देन रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट क्या होगा, दिस आई विश टू कैलकुलेट. ऑल दो वट वी नीड इज जस्ट टू रिमेंबर दिस फार्मूला. देखिएगा, अगर मैं f ऑफ z को ऐसे लिख दूं, कोई भी फंक्शन, इसको अभी इसको थोड़ा साइड रखिए. इफ f ऑफ z इज ऑफ द फॉर्म phi ऑफ z अपॉन z माइनस a रेज टू द पावर m, ठीक है, देन एक्चुअली आपको ये फार्मूला याद रखना है. तो रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल्स टू a और z नॉट वट एवर यू टेक will be m minus 1th derivative. Please remember, if pole is of order m, then z naught upon m minus 1 factorial. To solve numericals, we need to remember this formula. Is that clear? But I will suggest you to do 3-4 times revision of this. Why? Because people may think कि यार ये पूरा phi of z है क्या, जैसा कि आप कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला में करते हैं. तो मैं क्या कुछ आपको पढ़ा तो रहा नहीं हूं, जस्ट आपको अवेयर करता जाता हूं कि यहां फंस सकते हो मेरे बच्चे. तो प्लीज डू रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि इफ
f of z is of this form, then obviously यहाँ से दिख रहा है ना z equals to z naught is a pole of order m, then to calculate the residue of f of z at that point will be calculated by the formula phi m minus 1th derivative at the point z naught upon m minus 1 factorial. This you can use for first order derivative also. Same thing you will be getting what you got here. राइट चलिए डू रिमेंबर अगर पोल ऑर्डर m का है तो यहाँ m माइनस वनथ डेरीवेटिव आएगा मेरे बच्चे ठीक है. पोल ऑफ ऑर्डर वन है तो यहाँ जीरोथ डेरीवेटिव कहने का मतलब वो फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट. क्लियर है अभी. नाउ व्हाट आई एम इंटरेस्टेड कि मैंने इतना सारा चीज आपको लिखना पढ़ना सिखाया है तो अगर आपका मन करे कि सर ये क्यों आता है इसके लिए आपको बोल देता हूं. क्लियर. चलो सपोज दैट अगर मेरा फंक्शन इसको हटा दूं यहां से since f of z has a pole of order m, तो मेरे बच्चे मैं f of z को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ बता दो. It can be written as psi of z plus अच्छा किस पर है z naught पर at z naught plus b2 upon z minus z naught का square प्लस बी एम अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का पावर m. कोई दिक्कत किसी को भी. एंड एफ ऑफ जेड सपोज दैट इट इज ऑफ द फॉर्म फाई ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का पावर m. सो दिस इज इक्वल टू प्लस पूरा वाला ये बट ठीक है. सो फाई ऑफ जेड विल काउंटेड एज साई ऑफ जेड इंटू जेड माइनस ए का पावर m प्लस बी वन एन टू जेड माइनस ए का पावर m माइनस वन बिकॉज एक z माइनस जेड नॉट कैंसिल हो जाएगा जेड माइनस जेड नॉट आई एम सॉरी प्लस बी टू इंटू जेड माइनस अरे यार जेड माइनस जेड नॉट का पावर m माइनस टू प्लस बी एम जेड माइनस जेड नॉट का पावर कुल मिला के इसको मैंने RHS पे भेज दिया. क्लियर है अभी. चलो अब दिस इज एनालिटिक क्योंकि एफ ऑफ जेड इज एक्सप्रेसिबल लाइक दिस. सो दिस इज एनालिटिक मींस एट जेड नॉट इट हैज फाइनाइट वैल्यू. तो अभी अब मैं इसको क्या करता हूं एक बार डेरिवेटिव करूं दो बार करूं m माइनस वन टाइम्स करूं समझिएगा फाई ऑफ जेड का डिफरेंशिएशन. अब मैं इतना ही क्यों जा रहा हूं क्योंकि जब मैं m माइनस वन टाइम्स करूंगा तो फिर b1 विल बी रिमेनिंग क्योंकि अगला वाला टर्म ये m माइनस डिग्री का है m माइनस वन डिग्री का इसका m माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो दिस विल टर्न इनटू कांस्टेंट टर्म तो b1 यहां पर बचेगा और b1 मेरा क्या होगा रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल्स टू z नॉट. सो यहां पर हो गया phi m माइनस वन z और इसको एक बार डिफरेंशिएट तो m माइनस वन फिर इंटू m माइनस टू इंटू m माइनस थ्री इंटू m माइनस फोर कहां तक जाएगा डॉट थ्री टू वन. ये हो गया फैक्टोरियल m माइनस वन यानी कि यहां से मुझे क्या मिल जाएगा phi m माइनस z इस b1 के साथ में क्या होगा m माइनस वन फैक्टोरियल. इज दैट क्लियर. अब इसको इधर भेज दो तो b1 का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा मेरे बच्चे यही तो फॉर्मूला आपको अभी बता रहा था. क्या इसमें टफ था आपके लिए? नथिंग ओनली द थिंग इज हैबिचुअल ऑफ राइटिंग लाइक दिस आर नॉट.
although I tried my best for these things in this lecture as well as in the previous lecture, that how Taylor's and Lorentz expansion is used to do theorems. Am I clear? Now final point I will say, class khatam nahi ho raha hai. Final point I will say, you only take care of the keyword. Usne kaha pole of order m. Achha, kaisa dikhega? कैसा दिखेगा वो दिखाना जरूरी है. उसके बाद क्या चाहिए उसके हिसाब से अप्लाई कर दीजिए ऑपरेशंस. मुझे b1 चाहिए था इसलिए m माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया. एम आई क्लियर? सो फ्रॉम दिस सेगमेंट व्हाट वी लर्नड, नंबर वन इज b1 इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड. सो रिमेंबर दिस कि इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड कैन बी रिटन एज 2 पाई आई इंटू बी वन. डू रिमेंबर दिस. सेकेंड, इफ एफ ऑफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर m, देन हाउ टू कैलकुलेट रेजिड्यू एट दैट पॉइंट. क्लियर है? क्योंकि वंस यू आर एबल टू कैलकुलेट द रेजिड्यू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट दिस इंटीग्रल. कोई दिक्कत किसी को भी? बोलो नहीं. अब मजेदार आपका एक आने वाला है जो फाइनल अस्त्र साबित होगा आपका. चलिए, एंड दैट इज योर कॉसी रेजिड्यू थ्योरम. ओके, कॉशी रेजिड्यू थ्योरम. ऑल्दो वी डू रिमेंबर दैट, मैं भी आपको याद करने को बोल दूंगा लेकिन समझाए बिना नहीं बोलूंगा, है ना? पूरी बात को समझाऊंगा जरूर मैं आपको. चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट? कॉसी रेजिड्यू थ्योरम. ओके बच्चे, दिस सेज व्हाट? इसका स्टेटमेंट कर लेंगे. इफ एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन विथ पोल्स एट जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड एम. ठीक है, let if f of z is an analytic function with poles at z1, z2, z3 and zm. poles हैं तो उनका कुछ order होगा. is that clear or not? of orders m1, m2, zn कर लो इसको मेरे बच्चे, तो मैं इसको mn से represent कर दूँ. ठीक है, चलिए. देन इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज नथिंग बट टू पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू जेड वन जेड टू जेड एन. फिर बच्चे please do remember this statement, because by using this statement you will be able to do the contour integration. Fair? मतलब पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ क्या, इतना थका हूँ कि अब. anyways मैं कोशिश कर रहा हूँ समझा पाऊँगा. समझे? समझाने में कोई कमी नहीं रह सकती. हाँ, एनर्जी थोड़ा सा लो हो रहा है वो मुझे पता है. चलो अभी देखिए. अच्छा, सी क्या है बच्चे मेरा? वही चीज. दिस इज द रीजन. सी सपोज दैट, प्लीज फोकस. मेरा मन है कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअली सॉलिड कर दूं एकदम. ठीक है, सी इज अ क्लोज्ड कंटूर एंड डी इज दिस रीजन. ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, बोला है कि z1, z2 all are isolated singularities और poles. फाइल, इतना ध्यान रखिएगा. अब ऐसे करके what I did is, मैंने आपको क्या बोला था,
प्रीवियस क्लास में भी, जहां पर एनालिटिसिटी ब्रीच हो रही है, सीज हो रही है, हम वहां पर एक छोटा सा एज स्मॉल एज पॉसिबल, कैसा बच्चे, सर्किल। मैं आपको फिर से इस प्रोसेस में बताऊंगा, बिकॉज वंस यू लर्न दिस प्रोसेस आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चंस करने में, देन ओनली मजा विल कम, राइट। चलो ठीक है। ऑल्सो सर्किल्स सेंटर्ड एट Z1, Z2, Zn आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। मतलब ये मैंने अपना प्लान किया कि ओके, इफ एफ ऑफ जेड हैज अ पोल, हैज पोल्स जेड एट Z1, Z2, Zn, व्हाट आई कैन डू, आई कैन कंस्ट्रक्ट सम सर्किल्स। और फिर कैसे बताया था बोलो, अब ये क्या हो गया, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन हो गया। मल्टीपली कनेक्टेड रीजन में कैसे बताया था, बोला यहां से घुसो, इधर घूमो, इधर घूमो, इधर से बाहर आ जाओ, ठीक है, यहां घुसो, यहां से एरोज सिंबल्स है, यहां घूमो, यहां घूमो, वापस आ जाओ। एंड आई कैन डू दिस प्रोसेस फॉर ईच, कर सकता हूं या नहीं। तो मल्टीपली कनेक्टेड के लिए मुझे क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, यही तो होगा, माइनस सपोज दैट इसको मैंने गामा वन सर्किल बोल दिया, इसको गामा टू बोल दिया, एंड इसको बोल दिया गामा एन, तो गामा वन एफ जेड डी जेड माइनस गामा टू एफ जेड डी जेड, सॉरी माइनस, एंड भाई माइनस साइन बिकॉज डायरेक्शंस आर रिवर्स्ड फॉर बोथ, माइनस गामा एन एफ जेड डी जेड। अब बोला इन सर्किल्स को अगर निकाल दिया जाए उसमें तो ये फंक्शन एनालिटिक है ना, और क्लोज्ड भी है, सी एनक्लोज कर रहा है रीजन को, तो उसमें तो कॉची थ्योरम कैन बी अप्लाइड। डोंट कंफ्यूज कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची थ्योरम, कि इफ एफ ऑफ जेड एनालिटिक इन अ क्लोज्ड रीजन देन इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड क्या होगा, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, इसका प्लस इसका वाला माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला बचेगा तो वो माइनस का यहां बचा, एंड दिस मस्ट बी जीरो। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड कैन बी रिटन एज गामा वन कोई इशू किसी को। चलिए, एक तो आपका प्री रिक्विजिट ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। दूसरा चीज हमें करना क्या था मेरे बच्चे, बोलो बोलो, रेजिड्यू कैलकुलेट करना था, किस फंक्शन का, एफ ऑफ जेड का, मतलब मुझे बी वन चाहिए एट दीज पॉइंट्स जेड वन जेड टू जेड नॉट। चलो, तो अगर मैं इसको ये देखूं, अब मैं इस एक्सप्रेशन को यूज कर रहा हूं, देखिएगा, एफ ऑफ जेड विल बी सम साई ऑफ जेड, ध्यान दीजिए इस चीज पर, एक एक्सप्रेशन मेरा इस टाइप का होना चाहिए, जेड माइनस जेड वन का पावर एम वन प्लस सम फाई टू जेड, जेड माइनस जेड टू का पावर एम टू प्लस सम फाई एम जेड अपॉन जेड माइनस जेड एन का पावर एम माइनस सॉरी एम एन। If f of z is of this form, then only these statements can be, इसको नहीं, इस वाले को, केवल इसको पढ़िए, poles. If this whole line need to be correct, then f of z must be of this form or not? कोई दिक्कत किसी को भी बताइए। Okay. B1 होता क्या है, 1/2πi इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, यही है आपका रेजिड्यू। तो अब मैं 1/2πi से सब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, मुझे गुस्सा आ चुका है अब। ठीक है, और सब पे इंटीग्रेशन लगा दे रहा हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा मेरे बच्चे,
1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड है ना इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई साई जेड डी जेड प्लस 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग गामा ऑफ फाइ वन अपॉन जेड माइनस जेड वन का पावर एम वन इंटू डी जेड प्लस 1 अपॉन 2 पाई आई गामा 2 फाइ टू जेड अपॉन जेड माइनस जेड टू का पावर एम टू डी जेड एंड प्लस 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग गामा एन phi n z upon z minus z n raised to the power m n dz. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए किसी को भी no fine now this is my residue of f of z यही तो है and that is nothing but integrations like this साई ऑफ जेड तो भैया एनालिटिक है तो भाई कॉसी रेजिड्यू थ्योरम ये तो मरेगा कैसी रेजिड्यू नहीं कॉसी थ्योरम फंडामेंटल ठीक है नाउ आई एम मोर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस इंटीग्रल ओके देन फॉर दिस अगर आप इसका इंटेग्रेशन करने जाएंगे अगेन व्हाट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस अभी जस्ट इससे पहले वाले आर्टिकल में फिर इस पे वो सारी रीजनिंग अप्लाई करेंगे आप यू विल फाइंड कि यहां से आपको जो मिल रहा है दैट इज नथिंग बट रेजिड्यू फॉर दिस फंक्शन एट द पॉइंट जेड वन बाकी सब टर्म जीरो हो जाएंगे इसके लिए रेजिड्यू अब कैसे करेंगे वही इसका एक्सप्रेशन ठीक है So why I'm not going into more details? Because actually as a teacher ना last 15 years में मुझे ये समझ आ जाता है कि किसको क्या चाहिए So why I'm sorted at such pace and जो मैंने कहा कि मैं जाके जनवरी तक फिनिश कर दूंगा ऑप्शनल उसका रीजन यही था क्योंकि मेरे दिमाग में दो ही चीजें चल रही हैं कि जो मैथ्स ऑप्शनल ले रहा है इसका मतलब ही और सी इज गुड enough इन मैथमेटिक्स सेकेंड जिसको प्रूफ्स में इंटरेस्ट नहीं है वो यहां भी नहीं सुनेगा तो यहां भी नहीं सुनेगा और जिसको इंटरेस्ट है persons who are interested in doing such proofs and understanding concepts they will understand from here and just by giving the guidance just a hint they can go further at the end of the day such things are not asked in the exam to prove ki kaun si residue hum prove karo still I do such proofs because I am more interested in the process learning such processes kyunki jab main prove karta hu to aapke ye cheeze aapke dimag mein set ho jati hai ki multiply connected reason ko kaise deal karna hota hai how to do that is that clear aur aap in cheezon ke sath khelne lag jate hain fir am I clear So this is the अब आप देखेंगे this Cauchy residue theorem आगे जिसको interest होगा page number C395 ठीक है वहाँ पे जाके आप देखिए आपको मज़ा आएगा explanation है वो C396 पर है सब चीज़ मैंने आपको समझा दिया है clear है तो persons who are in the second category interested in fundamentals they should read it okay अभी इसके क्वेश्चंस भी अगर मैं कर दूं तो क्या बात बनेगी बनाऊं क्या बात चलो एक आध बता देता हूं एक आध क्या आपको कुछ मतलब ऐसा टास्क दे देता हूं कि हाँ आपकी बात उससे बन जाए इसको हटा दूं चलिए अच्छा कंटूर इंटीग्रेशन पर भी मैं आने वाला हूँ अभी परेशान मत होइए अब चलिए
अभी देखिए मेरे बच्चे, आई एम सॉरी, अरे बाप रे, जैसे पहले आप एग्जांपल्स देखेंगे, उन्होंने केवल रेजिड्यू पूछा है, कैलकुलेट द रेजिड्यू एट सम पॉइंट्स, वो मैंने आपको बताई दिए। आई विल सजेस्ट यू टू डू, प्लीज डू सॉल्व दोज एग्जांपल्स। अगर आपको ऐसा लगे कि बताने भर से हो जाएगा, नहीं होगा, मेरे पॉइंट्स लिख लीजिए। कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू में रेजिड्यू कैलकुलेशन, ऑल दो नो वन इज गोइंग टू आस्क, बट यू हैव टू फाइंड दोज रेजिड्यूज। आई एम स्ट्रगलिंग, थोड़ा सा मैं पानी लेकर आता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट प्लीज। ओके, सो आई एम सेइंग कि आपने रेजिड्यू कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी एग्जांपल्स लगाने हैं, आपको एक प्रैक्टिस जरूरी है उसकी, ठीक है। जो पीडीएफ में जहां नोट लिखा है, जहां मिस्टेक हो सकती है, उनको जरूर ट्राई करें। जैसे कि एग्जांपल 4, प्लीज ट्राई पेज नंबर C399। ठीक है, मैं एक एग्जांपल 5 उठाता हूं, इंटीग्रेशन सी बोल रहे हैं आपको इवेल्युएट करना है मेरे दोस्त, इंटीग्रेशन सी z-3/z² + 2z + 5 × dz, वेयर सी इज द सर्किल नंबर फर्स्ट वाला, लेट्स से उन्होंने सर्किल ले लिया, मॉडुलस ऑफ z = 1। ओके बच्चे, उन्होंने कुछ एक और मैं ले लेता हूँ, z+1 - i² = 2 लिया है, क्या लिया है? हाँ, चलो अभी देखो बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने कहा ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रेजिड्यू, दे आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग इंटीग्रल्स। लेकिन इंटीग्रल क्या बच्चे मेरे, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड कैन बी रिटन एज 2πi × sum of residues of f(z). अपना भैया यही हथियार है, अपने को इसी से काम करना है। चलो तो बताओ मेरे बच्चे, f(z) क्या लिखा है, z-3/z² + 2z + 5। प्लीज आराम से देखिए, यहां पर भी मैं आपको निराश नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ अच्छा सिखाऊंगा ही। अभी आप देखिए step 1, टू गेट पोल्स। ओके बच्चे, किसके बच्चे, ऑफ ऑफ f(z), तो उसके लिए जब डिनोमिनेटर जहां जीरो होगा वहीं तो इसके पोल्स मिलेंगे मेरे बच्चे, तो डिनोमिनेटर कहां जीरो हो रहा है, दैट यू हैव टू फाइंड। सो z विल बिकम -b + -b² - 4ac/2। सो दिस विल गिव यू z = -2 ± ये क्या हो गया, -16, 16 का 4 बाहर आएगा और -1 का आयोटा बाहर आएगा, और दिस इंप्लाइज z = -1 ± 2i। यही चीज है। सो बच्चे इसमें क्या मिल जाएगा, इसी को मैं लिख सकता हूँ ना, z-3/z −1 + 2i × z −1 - 2i। दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, कोई इशू किसी को? चलिए अब देखिएगा, हेयर z = -1। अभी मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, मुझे चाहिए क्या, उसको तो मारो गोली, मैं जस्ट आपको प्रोसेस सिखाने में इंटरेस्टेड हूं। इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो यहां पर आपको दो फॉर्मूले बताए थे ऑर्डर 1 में, आपको जो भी इंटरेस्ट लगता है आप कर दीजिए।
तो मुझे रेजिड्यू चाहिए ऑफ एफ ऑफ जेड, लेट्स से मैं इसको जेड वन बोल दूं, तो क्या मिलेगा बच्चे, लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड वन, जेड माइनस जेड वन इंटू एफ ऑफ जेड. सो दिस विल टर्न आउट एज लिमिट जेड टेंड्स टू, इसको जेड वन बोला है, माइनस वन प्लस टू आयोटा इंटू, अब ये जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज योर एफ ऑफ जेड होल ना, जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला फाइव ऑफ जेड मेरे पास बचेगा, दैट विल बी जेड माइनस थ्री अपॉन जेड माइनस माइनस वन माइनस टू आयोटा. अब z की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए और ये जो वैल्यू मुझे मिलेगा दैट विल बी रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट दिस पॉइंट माइनस वन प्लस टू आयोटा. इन द सेम मैनर यू कैन कैलकुलेट रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू z2, लेट्स से इसको मैं कॉल इन द सेम मैनर. अब आपको मिल गई यहां पर रेसिड्यू एट z1 एंड रेसिड्यू एट z2. अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, वट एवर द सी इज, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था सी के अंदर जेड वन जेड टू है या नहीं, कॉसी रेजिड्यू थ्योरम किसके लिए मेरे बच्चे, जो जेड वन जेड टू है दो शुड बी अंडर सी, मतलब इनसाइड द सी. अब आपने एक सी लिया यहां पर, वो सी क्या है आपका, इसका देखिए, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू वन. सो व्हाट इज जेड इक्वल, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू वन, दिस इज द पॉइंट वन कॉमा जीरो, जीरो कॉमा वन, जीरो कॉमा माइनस वन, माइनस वन कॉमा जीरो. अब आप देख लीजिए ये जो जेड वन जेड टू, प्लीज नोटिस ये जो आपके रूट्स हैं, अगर ये रूट्स इसके अंदर हैं उन्हीं पर तो कॉसी रेजिड्यू लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, मतलब वो वाला आपको नहीं है, वहां से यूज करेंगे आप, और फिर क्या लगेगा, फिर मुक्का लगेगा. सॉरी अरे भाई, अगर इनसाइड सी पोल्स अवेलेबल नहीं हैं, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन उसके अंदर पूरे में एनालिटिक है, और एनालिटिक है अगर एफ ऑफ जेड, तो इंटीग्रेशन सी एफ डी जेड क्या हो जाएगा, जीरो. और जब पोल्स हैं सी के अंदर तभी तो वो पोल्स पर जाके उसका रेजिड्यू बनेगा, और जो अगर पोल्स इसके अंदर हैं तो फिर कॉसी रेजिड्यू लगा के उनका जो भी समेशन है उनका रेजिड्यू लिख दीजिए, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू ये मिल जाएगा. और अगर पोल्स इसके अंदर हैं ही नहीं तो इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी जेड एनालिटिक है पूरे में अंदर में, और कॉसी फंडामेंटल थ्योरम से वो जीरो देगा इंटीग्रेशन. अब आप इसका मजा लीजिए खूब जितना ले सकते हैं, ठीक है. ट्राई टू सॉल्व ऑल दोज एग्जांपल्स, मैंने क्रक्स पकड़ा दिया आपको, क्लियर है. तो जैसे इसी में ही आप देखेंगे पहला वाला, पहले वाले में मॉडुलस जेड इक्वल्स टू वन, ऑब्जर्व कीजिए जरा मेरे बच्चे, माइनस वन माइनस टू इसके बाहर है, जेड टू यहां कहीं मान लो जेड जेड, अच्छा माइनस वन माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन, माइनस वन कॉमा माइनस टू, एक पॉइंट यहां कहीं दिखाई देगा, माइनस वन कॉमा प्लस टू यहां कहीं दिखाई देगा, बोला भागो, बोला तुमसे तो हमको मतलब ही नहीं है क्योंकि फंक्शन इस पूरे सर्किल में एनालिटिक है, तो भाई कॉची फंडामेंटल थ्योरम इंटीग्रेशन सी एफ डॉट जीरो. अब इसको चेंज कर दिया, बोला अब अच्छा ये वाला लेकर आओ, तो इस सर्किल को बनाओ, देखो जेड वन जेड टू किस उसके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो एकदम भरपूर मजा लेना है इसका, ठीक है. डरना बिल्कुल नहीं है किसी चीज को लेकर, अभी क्लास है पक्का, मरवा हो गया. चलो कितना टाइम है हमारे पास, 10 मिनट और है बस, 15 मिनट. ओके मैं बस कंक्लूड कर रहा हूँ, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, एक मिनट. जी सो थिंग इज, हाँ नो प्रॉब्लम. When I want to use the contour integration, the thing is I have to think in two steps. Number one is ki poles are inside C.
इफ नो पोल इज इनसाइड सी बाय कॉसी फंडामेंटल थ्योरम इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड विल बिकम जीरो. If poles are inside C, then by Cauchy residue theorem, I will get integration C fz dz as 2 pi I into summation of residues. Is that clear? Apart from this, there is a last segment. Abhi next session hone wala hai, isliye I am like, sorry, I'm stopping here. अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है. अगले वाले में questions हैं और Jordan's lemma है. उनको कैसे यूज करना है, यू जस्ट नीड माई गाइडेंस ओनली फॉर दैट. 15 मिनट्स विल बी मोर देन एनफ फॉर दैट. फाइन, कंटूर इंटीग्रेशन, बट विदाउट गाइडेंस प्लीज डोंट डू, अदरवाइज यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम अननेसेसरली. आई विल टेल यू हाउ टू मूव. ओके, सो ओके, लेट्स स्टॉप हियर, विल मीट इन द नेक्स्ट सेक्शन. अभी मैं स्टैटिक्स वाला वी विल डू, इसका वाला एनफ है, इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट पर मूव करेंगे. ओके, so the next lecture will be of statics, right? Chalo, good luck.